अभी तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही थी कि छत्तीसगढ़ के नए सीएम का ऐलान हो चुका है। जी हां, भूपेश बघेल को नया सीएम बना दिया गया है। आज हम आपको ऐसे चार कारण बताएंगे जिसके चलते भूपेश बघेल को नया सीएम चुना गया। उससे पहले हम आपको बता दें, तीन राज्यों में कांग्रेस को मिली जीत में सबसे प्रचंड नतीजे छत्तीसगढ़ में रहे। शायद यही वजह है कि कांग्रेस के आलाकमान को यहाँ का मुख्यमंत्री चुनने में इसलिए भी देरी हुई क्योंकि यहाँ पर पार्टी के सामने कई बड़े चेहरे उभर कर सामने आए। वहीं आपको बता दें, इन चेहरों में भूपेश बघेल, टीएस सिंह देव, ताम्रध्वज साहू और चरण महंत जैसे चार बड़े नाम थे, लेकिन राहुल गांधी का मुहर भूपेश बघेल पर लगा। ऐसे कई कारण हैं जिसके चलते भूपेश बघेल ने सबको पछाड़ दिया। जी हां, सबसे पहले बड़े कारण की बात करें तो संकट की घड़ी में मिली कांग्रेस की जिम्मेदारी। जी हां, हम आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का 15 साल का वनवास अब खत्म हो चुका है। कांग्रेस में राज्य की लहर में आगे सत्ताधारी बीजेपी धाराशाही हो गई। पार्टी की इस बड़ी जीत का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल को जाता है। वो अपने आक्रामक तेवर के लिए पहचाने जाने वाले बघेल ने जब राज्य में पार्टी की कमान संभाली तो कांग्रेस कई मोर्चों पर संकट से जूझ रही थी। राज्य में कांग्रेस के पहले पंक्ति के नेता झीरम घाटी नक्सली हमलों में मारे जा चुके थे। वहीं दूसरी अगर सबसे बड़ी कारण की बात करें तो जोगी को किया बाहर, खुद संभाली कमान। जी हां, हम आपको बता दें, बघेल को जो जिम्मेदारी मिली थी वो किसी चुनौती से कम नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ पार्टी में नई जान फूकी बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का साहस किया। प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरे भूपेश बघेल ने खुद छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं की नब्ज पकड़कर उसे चुनावी मुद्दा बनाया और इसे अपनी घोषणा पत्र में शामिल करवा बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। वहीं तीसरे सबसे बड़े कारण की बात करें तो मुकदमों से भी नहीं डरे। जी हां, जैसे जैसे भूपेश बघेल का हमला रमन सिंह सरकार पर बढ़ता गया वैसे ही बघेल और उनके परिवार पर कई तरह के मुकदमे भी लगे। यहां तक कि भूपेश बघेल को 14 दिन की हिरासत में जेल भेज दिया गया था। तब उन्होंने जमानत लेने से इनकार कर दिया था लेकिन बाद में आलाकमान के कहने पर वे बेल पर बाहर रिहा हुए और चुनाव की कमान संभाली और अपनी छवि उस योद्धा के तौर पर बनाई जो किसी भी तरह के दबाव में झुकने वाला नहीं था। वहीं चौथे सबसे बड़े कारण की बात करें तो कुर्मी जाति का खास प्रभाव। जी हां, एक किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले बघेल राज्य में राजनीतिक दृष्टिकोण से अहम कुर्मी जाति से आते हैं। कांग्रेस का प्रदर्शन भी छत्तीसगढ़ की ओबीसी बेल्ट में खास अच्छा रहा। मौजूदा सांसद और कांग्रेस के ओबीसी सेल के अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू ने भी साहू समुदाय को कांग्रेस की तरफ लाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि कुर्मी समुदाय को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है क्योंकि बघेल साल 1993 से ही मानव कुर्मी क्षेत्रीय समाज के संरक्षक रहे हैं। राज्य में कुर्मी और साहू समुदाय कुल आबादी का 36% है जो किसी भी दल को जीत दिलाने के लिए काफी है। वहीं जातीय गणित के अलावा भूपेश बघेल की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वह यह है कि ऐसा माना जा रहा था कि जोगी फैक्टर के चलते बीजेपी एक बार फिर सरकार बना लेगी। तब बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल कर सियासी पंडितों को हैरान कर दिया। जी हां, ये थे चार सबसे बड़े कारण जिसके चलते भूपेश बघेल को नया सीएम चुना गया। और भी ताजा अपडेट्स लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।